हफ्ता पहले भेजिए, उस दिन का रेट लग जाएगा। एक हफ्ते पहले मतलब सारी सब्जियां तो खराब हो जाएगी ना? अरे नहीं मेम साहब, 10 दिन भी खराब नहीं होगा। इसे तोड़ने के लिए 1 दिन, पैक करने के लिए 1 दिन, लॉरी में 2 दिन, मेरे पास 2 दिन, रिटेल शॉप में 3 दिन, आपके फ्रिज में 4 दिन, हिसाब लगाइए 15 दिन हो गए ना। बगीचे से तोड़ के सब्जी बनाने के दिन तो चले गए। ये सब खराब ना हो इसीलिए तो स्प्रे कर रहे हैं। वो देखो कांदा पाकिस्तान से आया है, कच्चे को कच्चा रखना है, पक्के को पक्का रखना है, तो इसका इलाज तो हमें ही करना होगा ना। लेकिन वो लोग हमसे बिना स्प्रे की सब्जियां मांगे हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है माँ जी, उस वक्त में हम देखो इस तरह चिकनी मिट्टी में दबा कर देंगे तो ताजी दिखेंगी, मक्खी बैठेगी ना। देखो ये स्प्रे मारोगे तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाएगी। हमें ये नहीं चाहिए, बिना स्प्रे की सब्जियां नहीं मिलेगी। वो तो हमारे देश में नहीं मिलेगी। बीज में ही केमिकल डालकर उसके बड़े होने तक उस पर 3-4 बार स्प्रे करना होगा। अगर इतना जहर खाएगा तो उसका हाल क्या होगा? हमारे लोग जहर से नहीं डरते, दाम से डरते हैं। यहाँ गरीबों के लिए टमाटर, अमीरों के लिए बैंगन ऐसे नहीं बेचते हैं। यहाँ हर तबके को एक ही सब्जी मिलेगी। अरे मेम साहब हमारे पास यही है, इसमें से कुछ चाहिए तो दे देंगे। अबे कारपेट बराबर लगा। एक रिक्वेस्ट है, हाथ धोना भूलिए मत, इसे हमने बाजार से लिए हैं। इंडोसल्फेन, इकोलॉक्स, क्लोरीडेन, फंगिसाइड और भी कुछ केमिकल कॉकटेल्स आपके हाथों में चिपके होंगे। लिवर, किडनी डिसफंक्शन, डिप्रेशन और उसके बाद कैंसर। प्लीज बी वेरी श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स। भोजन ही दवा है और दवा ही भोजन है, यही बात को हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए आदत बना के गए हैं और यही बात उन्होंने हमारे लिए छोड़ा हुआ संपद भी है। हमारी बुजुर्ग ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मुझे, मेरे बेटे और पोतों के जरिए घर के पीछे छोड़ा हुआ नारियल पेड़ों की बात अब पुरानी हो चुकी है। कैरेट में विटामिन ए, टमाटर में विटामिन सी और फलिया में नजद, बैंगन में कैल्शियम है। इसे भी ज्यादा एंडोसल्फेनो, फ्यूरिडेनो और ज्यादा कीटनाशकों आज के सब्जियों में है। सेब के चिरकों में ताकत थी लेकिन अब मोम। जहर मिला हुआ सब्जियों का भाव ज्यादा है लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ही देश में जहर का भाव कम है। हमारी नानियों को कम से कम 10 बच्चे थे लेकिन सारे बच्चों को माने ही नहीं बल्कि प्रकृति भी साथ मिलके पोसा है। लेकिन आज ये क्या 2 बच्चे के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहते हैं हम? पिछले जमाने में बुढ़ापन ही रोकती लेकिन आज पैदा हुआ बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम, 5वां साल में ही चश्मा और 10 साल में डायबिटीज, आस्मा, कैंसर और बहुत सारे रोग हैं। हम लोग स्वस्थ रहने से ज्यादा सुंदर रहना ही पसंद करते हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई, कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी, घर और बचत के बारे में सोच रहे हैं लेकिन स्वस्थ रहने के बारे में हम नहीं सोचते हैं। अगर कल वक्त हमें ये कहेगी कि हम कॉन्क्रीट बिल्डिंग से बनाया हुआ कब्रिस्तान में रहते हैं तो ठीक होगा। हमें सुधरने के लिए यही सही वक्त है। हमें जमीन पर यकीन करना होगा। घर बनाने वक्त पेट और पौधों के लिए 1 सेंट की जगह होना जरूरी है, ये हमें समझनी चाहिए। बनाया हुआ घर के छत में ग्रीन हाउस, जिस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग मुमकिन थी उसी तरह हर एक घर में ग्रीन हाउस भी मुमकिन है। दोस्तों छोटी मोटी बातों के लिए ही चक्कर आती थी मुझे लेकिन आज हम सारे औरतों मिलकर 10 ग्रीन हाउस में बढ़ाया हुआ ऑर्गेनिक सब्जियों को शादी में आने वाले 2000 लोगों के खाने के लिए दे रहे हैं। हमें सोचने के लिए सिर्फ 2 ही बात है। पहली बात, इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम 1 बीज को रोपण करनी पड़ेगी। दूसरी, बच्चों की खातिर हमारी घर में या छत में सब्जियों का, पौधों को रोपण करानी होगी। जमीन को माँ समझकर और प्रकृति के साथ मिलकर गुजरे हुए पूर्वजों के जमाने को वापस लाना होगा। आप सबको मेरा धन्यवाद। Thanks.